हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड्स हेवन। आज की रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का। यह बहुत ही आसान रेसिपी है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले कुकर में 3/4 कप धुली हुई अरहर दाल डाल देंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1.5 कप पानी डाल देंगे। अब इस पर ढक्कन लगाकर 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। 5 सीटियों के बाद ढक्कन निकाल लेंगे। ये देखिए, दाल बिल्कुल अच्छे से गल गई है। अब एक पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, 10 सेकंड के लिए चला लेंगे। 2 कटी हुई मिर्च डालेंगे। आप मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। 3 से 4 कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। इसे 30 सेकंड के लिए चला लेंगे। अब इसमें 2 कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक चलाते हुए पकाना है। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, हमने दाल में भी नमक डाला है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें सब्जी मसाला, लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर के गलने तक हमें इसे पकाना है। टमाटर अच्छे से गल चुका है। अब इसमें पकी हुई अरहर की दाल डाल देंगे। दाल को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट इसे बिना ढके हुए पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम तड़का बनाएंगे। तड़का पैन में 2 चम्मच घी ले लेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है, उसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/2 चम्मच लेगी मिर्च डाल देंगे, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। इन सभी को अच्छे से 30 सेकेंड के लिए मिक्स कर लेंगे। अब तड़के को दाल के ऊपर डाल देंगे। लास्ट में घी का तड़का ज़रूर दें, इससे बहुत ही बेहतरीन स्वाद आता है दाल में। रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।